जो हमने देखा था पहले इस महिला का केस, ये महिला तीसरी बार मेरे पास मेडिसिन लेने आती है। अब ये आई है 27 जुलाई 2015 को, पहले था अप्रैल 14 में, तो यानी 1 साल 3 महीने के बाद ये मेरे पास दवाई लेने आती है, और उस समय बीच में ये काफी ठीक रही है। तो यानी एक बेलाडोना जो पहले दी गई थी इसको, उसने इसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदल दिया, और जो क्रोनिसिटी थी बीमारी की, जो बार 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 रिपीट होती थी इसकी बीमारियां, कभी पेट दर्द कभी जुकाम, जो पति ने बताया था, वो सारी टेंडेंसी इसकी खत्म हो गई। अगर खत्म नहीं होती तो इतने 1.5 साल तक वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहती। अभी कुछ और भी देखेंगे जिससे पता लगता है कि बेलाडोना ने इसकी पर्सनैलिटी को कितना बदला है। तो ये जो अब आई है बड़ी परेशान और दुखी सी लग रही है, जैसे पहले ये हंसती आती थी तो अब तो इसकी हंसी एकदम गायब है, चेहरे पे गंभीरता है, जैसे बिल्कुल नॉर्मल इंटेलिजेंट लोगों के साथ होता है, एवरेज बुद्धि वाले लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही एक सामान्य महिला नजर आ रही है। रोगी अब बताती है पेट में इंफेक्शन वाले मोशन हो गया, यानी ये बता रहे इंफेक्शन वाले मोशन। तो यानी अब इंफेक्शन का क्या मतलब है, मोशन माने दस्त लग गए हैं इसको, तो कुछ भी खा रही हूं तो शौच आता है यानी टॉयलेट भागना पड़ता है मुझको, चाय भी पीती हूं तो लैट्रिन जाना पड़ता है। अब मैं इससे पूछता हूं इसका मतलब क्या है, इंफेक्शन वाले मोशन का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो, मतलब बाहर का खाना खाया है ना। अब इसने साफ शब्दों में इस बार बताया कि मैंने बाहर का खाना खाया, जबकि पिछले वीडियो में जब पिछले 1.5 साल पहले आई थी तब इसने कहा था जी वो बाहर कभी जाते हैं तो खाना पड़ जाता है, तो ऐसे तो देखो जी खाना ही पड़ जाता है तो उससे हो गया होगा, तो वहां ये छुपा रही थी। अब ये इसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि छुपा नहीं रही, अब ये कह रही है कि बाहर खाना खाया था इसलिए हो गया है, यानी इसको पूरी समझ आ रही है कि बाहर के खाने से हुआ है। तो फिर मैं पूछ रहा हूं भाई दस्त के अलावा और क्या समस्या हो रही है, बस मोशन आ रहे हैं, तो किसी तरह की कोई और परेशानी हो रही है, कोई दर्द वगैरह या और कोई चिंता फिकर वगैरह। रोगी पेट के दाएं भाग पर बताते कि यहां पर हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है, गैस वगैरह बनने की वजह से हो रहा है वो, यानी इसको पूरी समझ है कि अब ये अपनी थ्योरी लगाई है कि गैस की वजह से हो रहा है, यानी एक क्लियर कट उसने डिसीजन तो लिया कि गैस की वजह से है, तो ये अपनी चाहे थ्योरी ही है उसकी, पर अब ये पता तो लग रहा है कि ये एक कोई कंक्लूजन करने में इसका दिमाग चल रहा है। डॉक्टर पूछते हैं तो मतलब 3-4 दिन आप बाहर का खाना खाते रहे इसलिए सब कुछ हुआ है, मतलब अब ऐसी स्थिति हफ्ता 10 दिनों से चल रही है आपकी, एकदम तुरंत ये जवाब देती है नहीं नहीं कल से हुआ है, पुराने से नहीं हुआ ये। तो मैं फिर पूछता हूं तो इन सब के साथ और क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि पहले मैं बात को गलत ढंग से समझ पाया था, और कुछ नहीं हो रहा, बस थोड़ा रुककर फिर बोलती है कुछ भी खा रही हूं तो हजम नहीं हो रहा है, मोशन आ जाता है, मतलब लैट्रिन भागना पड़ता है इसको। डॉक्टर और कुछ है, बस नई कोई समस्या तो नहीं है कोई और, नहीं नहीं बस यही एक समस्या है। तो इतने छोटे से वार्तालाप, 2-3-4 सेंटेंस के वार्तालाप को रूब्रिकों में बदला गया और बहुत ही सटीक दवाई का चुनाव किया गया। तो क्या रूब्रिक है, डेल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, डेल्यूजन पॉइजन ही हैज बीन पॉइजन्ड, पॉइजन का मतलब जैसे उसको जहर दिया गया है। तो जहर क्या है, वो खाना, जहर एक ऐसी चीज होती है जो आपके शरीर को और मन को नुकसान पहुंचाती है, दूषित कर देती है, तो यहां इसको खाने ने शरीर को नुकसान पहुंचा है, इसलिए जो कुछ खाना खाया गया था वो इसके लिए भोजन की बजाय उसने जहर का काम इसके ऊपर किया है, इसको नुकसान पहुंचा दिया है, यानी इंजरी पहुंचाई है, क्यों, क्योंकि वो खाना एक जहर की तरह काम करता था। तीसरा रूब्रिक जो है इसका वो है क्विक टू एक्ट, यानी तुरंत प्रतिक्रिया
करना, तो ये जैसे मैंने कहा भी अच्छा 10-12 दिन से चल रहा है, 4-5 दिन से आप खाना खा रहे हो, नहीं 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 बस कल से हुआ है, यानी एकदम इसने मेरे पर प्रतिक्रिया करी कि आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, ये कल से हुआ है, तो इसको एकदम समझ आ गई। और जबकि पहले तो ये 10 दिन 15 दिन या कभी भी इसको समझ ही नहीं आती थी कि दवाई लेनी चाहिए, तो इस बार इसको ये पल्ले पड़ गया कि मैं इसके लिए तुरंत दवाई ले लूं। ये रेस्पॉन्स क्विक है, तेजी से है। इसके कुछ और रूब्रिक भी हैं, पर दवाई हमने इन्हीं रूब्रिकों के आधार पर चुन ली थी। एंग्विश, एंग्विश माने कुछ परेशान परेशान लग रही है, तो डिलीवर बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग्स, तो अपने आसपास के वातावरण के कारण उसको नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो यानी वो कुछ भी खाती है तो उसको हजम नहीं होता, चाय भी पीती हो तो मोशन आ जाता, यानी ये जो आसपास का जो माहौल है, खाना पीना, उसका वातावरण, हवा पानी, लोग बाग, सब उसको इंजर कर रहे हैं। डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, यानी वह अपनी स्थिति जो भी अब हो रही है दस्तों की, दर्द की, उसके कारण बहुत ही तंग हो रही है, पर ये उतना स्ट्रांग रूब्रिक इस मरीज के केस में नहीं है, क्योंकि यहां पर जो इंजरी और एंग्विश उन्हीं का मिला जुला भावना है ये परसिक्यूशन भी, तो ये सारे रूब्रिक एक, तो इन सबको लेकर रिपोर्टराइज किया गया, तो फिर इसमें दवाई आई लैकेसिस, तो लैकेसिस 200 की हमने इसको एक खुराक दी गई, क्योंकि जो भी इसके हाव भाव थे, बातचीत करी उसके आधार पर, तो उसका बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव हुआ एक डोज खिलाते ही जब इस, लेकिन फिर भी इसको हमने अगले दिन बुलाया, तो अगले दिन इसके पति ने बताया कि वो घर जाते जाते ही, लगभग घर पहुंचने में इसको 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, दर्द पूरी तरह समाप्त हो गया, और दवाई के बाद पूरे दिन में एक बार भी दोबारा शौच नहीं जाना पड़ा, तो कितना तेजी से दवाई ने काम किया। तो ये पहचान है परफेक्ट सिमिलिमम की, जो किसी भी अन्य तरीके से चुनाव करने में हम लोग प्रायः असमर्थ होते हैं, इसलिए माइंड के सिम्टम पर प्रिस्क्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि माइंड के सिम्टम ही रोगी की पहचान होते हैं। तो पहले यह रोगी बेलाडोमा से सही होती थी, बेलाडोमा ने स्वभाव को पूरी तरह बदला और इसको इंटेलिजेंट बना दिया, जो पहले डल था, कैलकुलेट नहीं कर पाती थी, तो समझ ही नहीं आता था कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, दवाई खानी है नहीं खानी है, बात को छुपाती थी, अब वो सब चीजें बदल गई हैं, तो यानी पूरा पर्सनैलिटी रोगी की बदल गई, जबकि मामूली एक्यूट कंडीशन में आई है, तो इसलिए कोई भी एक्यूट कंडीशन नहीं होती, कोई भी क्रॉनिक कंडीशन नहीं होती, इसलिए कभी भी हमें किसी नए मायजम के हिसाब से दवाई चुनने की जरूरत नहीं होती है, जो इस वक्त प्रेजेंट सिम्टम मरीज के हैं अगर उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं गहनता तक, और उसके हिसाब से मरीज के लिए परफेक्ट सिमिलिमम चुन लेते हैं, चाहे वो एक्यूट रेमेडी हो, चाहे वो क्रॉनिक समझी जाने वाली रेमेडी हो, चाहे मेल रेमेडी हो, चाहे फीमेल हो, चाहे चिल्ड्रन रेमेडी हो, चाहे ओल्ड एज रेमेडी हो, मिनरल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कुछ और हो, चाहे नोसोड हो, कुछ भी हो, मेडिसिन सिर्फ मेडिसिन होती है, ये हम लोगों ने अपनी ना समझी के कारण इस किस्म के लेवल लगाए हुए हैं कि ये बच्चों की दवाई है, ये महिलाओं की दवाई है, ये एक्यूट केस में काम करती है और ये क्रॉनिक केस में काम करती है, तो हमने देखा है कि हर दवाई हर केस में काम करती है, अगर रोगी की नेचर और मेडिसिन की प्रकृति दोनों एक दूसरे से परफेक्टली मैच हो जाए, यानी सिमिलिमम मिल जाए, तो काम करेगी ही करेगी, और रोगी की भौतिक समस्याएं भी ठीक करेगी, उसके अंदर वेलबींग भी आएगी और उसके स्वभाव को पूरा बदल देगी, ये बहुत बड़ी पहचान होती है। तो मुझे विश्वास है कि आपके अंदर बहुत सारी धारणाएं जो होम्योपैथी में बनी हुई है, एक ही रोगी के इन 3 केसेस के माध्यम से वो कुछ हद तक टूटेंगी,
मुझे मालूम है कि ये धारणाओं को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ हम सुनते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से आज तक, कॉलेज में एंट्री लेने के बाद आज तक जो कुछ पढ़ते आ रहे हैं, जो कुछ सुनते आ रहे हैं, उसको ये मान लेना, ये स्वीकारना कि वो बहुत कुछ गलत है, ये बहुत मुश्किल काम होता है इंसानी दिमाग के लिए। इसीलिए हनुमान साहब ने कहा था कि आपको अनप्रिजिडाइज नहीं होना है, यानी जो कुछ पुरानी आपने सीखा, धारणाएं बनाई है, उसके विपरीत अगर कोई नई चीज मिलती है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो पुरानी धारणाओं के बिल्कुल विरोध में जा रही है। तो ठीक ऐसा ही इस केस से सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए दिमाग को हम लोग खुला रखें, और होम्योपैथी के बहुत वास्ट जो इसका फील्ड है उसको एक्सप्लोर करें, और रोगियों को बहुत अच्छे से ठीक करें, तभी हमारे अंदर भी आत्मविश्वास होगा, और साथ ही साथ लोगों का, समाज का भी होम्योपैथ और होम्योपैथी पे विश्वास जमेगा। ये कहने का कोई लाभ नहीं होता है कि सरकारें होम्योपैथी को सपोर्ट नहीं करती हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम लोग अच्छे ढंग से रोगी को ठीक करते रहेंगे तो हमें समाज में एक स्ट्रांग होम्योपैथी का होल्ड बनाने में कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, लोग खुद ब खुद आएंगे। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होगा, तो लाभ होगा तो मैं नए नए वीडियो आपको बनाऊंगा ताकि और आपको सीख सकें। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते ही जब वो साथ में बेल आइकन आए, यानी घंटा जैसा एक चिन्ह आए, तो उसको भी आप क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन YouTube की तरफ से आपको मिल जाए, और आप कोई भी वीडियो देख को मिस ना करें, चाहे उसको बाद में कभी भी देखें अपनी सुविधा अनुसार, परंतु आपको पता लग जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है। अगर आप वो बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा कि मैंने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। इस कार्य में कोई भी आपका पैसा नहीं देना होता, ये इस काम YouTube की तरफ से फ्री होता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।